वीडियो बंद कर दे। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। अटेंडेंस भी रहती है सर। अटेंडेंस तो मैंने ले ली है शुरू में, मैं देख लूंगा जो लोग इतने एब्सेंट प्रेजेंट रहती है इधर तक और कौन एब्सेंट रहा। राव का सर आसान सेकंडली था, राव स्लैंड का करेंट ट्रेंड का मसला हो रहा है बार बार, देखा भी मसला नहीं, लेकिन आप बार बार आते रहे, डिस्कनेक्ट होता रहे तब भी आप आते रहे। शारिक देख रहा हूँ आज की क्लास में कोई बार बार मेरा आ रहा है बीच में ना, बस ये जरा वेटिंग रूम ऑन किया हुआ ताकि फोन किक आउट कर दे उसको। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, लिंक लिस्ट के अंदर हम सेशन की बात कर रहे थे और सेशन हमें दो नोट्स के दरमियान करनी थी और बी के दरमियान, और ये कैसे किया था हमने आपको अभी आपको दिखाया। हम अवेल को यूज करते हैं, अवेल क्या है, वो फ्री स्टोरेज लिस्ट है, और फ्री स्टोरेज लिस्ट के जरिए से जो है ना हम जो है लिंक्स को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर हमने क्या किया कि हमने हमने जो काम किए थे वो ये किया था कि हमें हमेशा जो इंसर्शन करेंगे हम अवेल में करेंगे, अवेल वो स्टोरेज लिस्ट है जो खाली सेल्स पर मुश्तमिल है। तो जब इंसर्शन होगी अवेल के अंदर तो अवेल अपडेट होगा, जो पुराने अवेल का लिंक था नया अवेल बनेगा, एक तो ये काम होगा इंसर्शन के वक्त। फिर एक जो एक पॉइंट आउट पहले बी को कर रहा था, अब एक इसको पॉइंट आउट करेगा, ए पॉइंट आउट करेगा एन अवेल को, ये पॉइंट आउट अवेल को करेगा और अवेल किसको पॉइंट आउट करेगा, बी को पॉइंट आउट करेगा। सर ये अवेल की तरह क्या कह रहे हैं शेरिया? तो ये काम हमने करके देख लिया था, थोड़ा सा एक स्लाइड में मैंने आपको करके ड्रॉ करके सारी चीजें समझाई थी। इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें, यहाँ पर ये बात लिखी है, अवेल की जरा पर्टिकुलर डेफिनेशन बता दें। अवेल का मतलब है खाली सेल के लिंक लिस्ट, फ्री स्टोरेज लिस्ट, जो भी एलिमेंट इंसर्ट होगा वो हमेशा अवेल में ही होगा, क्योंकि जाहिर है खाली सेल में लिंक लिस्ट के इंसर्ट किया है ना। अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, मैं आगे मतलब मैंने ड्रॉ करके भी समझा दिया था और क्लियर हो जाएगा, यहाँ आगे और चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, नोड एन टू इज टू बी इंसर्टेड इन द लिस्ट बिटवीन नोड ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के दरमियान में लिंक लिस्ट के अंदर दो नोड्स हैं, एक नोड ए है एक नोड जो है वो बी है। नोड ए और बी के दरमियान में आपने क्या इंसर्ट करना है, एन इंसर्ट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ ए नाउ पॉइंट्स टू द न्यू नोड एन, ए किसको पॉइंट आउट करेगा, नई नोड को जो है आई ए एन। पहले ए पॉइंट आउट कर रहा था बी को, पहले ए पॉइंट आउट कर रहा था बी को, लेकिन हम अब चूंकि हमने एन इंसर्ट करना है, एन इंसर्ट करना है, तो होगा क्या कि ए किसको पॉइंट आउट करेगा एन को, और एन किसको पॉइंट आउट करेगा वो बी को पॉइंट आउट। यही चेंजेस हमें करनी पड़ेगी लिंक के अंदर, जाहिर है जब भी ए के बाद एन आएगा और एन के बाद बी आएगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि तीन चेंजेस हो रही है, थ्री पॉइंटर फील्ड आर चेंज एज फॉलोस। पहला चेंज किया, द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ ए नाउ पॉइंट्स टू द न्यू नोड एन, ए जो है किसको पॉइंट आउट करेगा, नई नोड जो भी आई है एन को। ठीक है, तो नई नोड कहाँ आई है, नई नोड आई हमेशा अवेल में, ये आपको बता चुका हूँ, इसलिए लिखा है टू विच अवेल प्रीवियसली पॉइंटेड, जिसमें अवेल पहले पॉइंट आउट कर रहा था। ये जाहिर है एन जो है वो कहाँ आएगा, एन आएगा हमेशा अवेल के अंदर, जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, अवेल हमेशा वही
एंड अगली नई नोड हमेशा वहां आएगी जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, अवेल पॉइंट आउट जिस नोड को भी कर रहा होगा वहां पर एन आ जाएगा, और जो एन अवेल इसका जो लिंक होगा एन के बाद लिंक लिस्ट, ये पूरी लिंक लिस्ट है, तो अवेल का लिंक चेंज हो जाएगा, जो पुराने अवेल का लिंक था वो नया अवेल बन जाएगा जिसे मैंने करके दिखाया, जाहिर है अब नई खाली सर्किल लिंक लिस्ट वहां से स्टार्ट होगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, अवेल नाउ पॉइंट्स द सेकेंड नोड इन द फ्री पूल, तो फ्री पूल था, फ्री स्टोरेज लिस्ट थी, उसके अंदर जो अब सेकंड नोड होगी जाहिर है वो अवेल बन जाएगी, नहीं वो खाली सेल की लिंक लिस्ट अब वहीं वहां से स्टार्ट हो जाएगी जहां से वो सेकंड नोड है अवेल की वहां से, ठीक है, जिसको एन एक्चुअली पहले पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट पर फील्ड ऑफ एन नाउ पॉइंट्स, और एन किसको पॉइंट आउट करेगा, वो बी को पॉइंट आउट करेगा जिसको पहले ए पॉइंट आउट कर रहा था, पहले ए बी को पॉइंट आउट कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा होगा एन पॉइंट आउट करेगा बी को। डायग्राम से समझ लो, डायग्राम से दोबारा से डायग्राम सामने आ गई, नोड ए है, नोड बी है, लिंक लिस्ट चलती हुई आ रही है, इनमें दो नोड्स है बीच में ए और बी, ए और बी के दरमियान में इंसर्ट करना है एन, ठीक है। तो ये है सिनेरियो कौन सा है, बिफोर इंसर्शन का, इंसर्शन से पहले अभी ए और बी के दरमियान इंसर्ट ए करना, इंसर्ट एन करना है, अभी इंसर्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये पहला सिनेरियो जो है वो पहला सिनेरियो जो यहाँ पर दिखाया है ये इंसर्शन से पहले का सिनेरियो है। अब आपने क्या करना है, एन को इंसर्ट करना है, तो ए अब किसको पॉइंट आउट करेगा, ए किसको पॉइंट आउट करेगा, ए पॉइंट आउट करेगा जाहिर है पहले एन, एन आपने कहा रखवाओगे, एन रखवाओगे जिसको अवेल पॉइंट आउट कर रहा था, ये अवेल है, ये फ्री स्टोरेज लिस्ट है अवेल, देखो अवेल, अवेल क्या मतलब है, खाली सेल के लिंक लिस्ट। तो पहला खाली सेल कौन सा, डॉटेड लाइन शो कर रही है, पहला खाली सेल ये है, उसके बाद अगला खाली सेल ये है, उसके बाद अगला खाली सेल ये है, आखिर में जाकर डेल यहाँ पर फ्री स्टोरेज लिस्ट जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। अब जाहिर है नई नोड रखोगे कहाँ रखोगे, यही रखोगे जिसको पॉइंट आउट कर रहा है एन, ठीक है ना, जिसको एन पॉइंट आउट कर रहा है, अगली नोड आप यही अगली वैल्यू आप यही रखोगे, ठीक है। अब क्या होगा कि नोड ए पॉइंट आउट करेगा नोड एन को, और नोड जो जाहिर है नोड ए किसको पॉइंट आउट करेगा, अवेल को, यानी कि अवेल को पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि जाहिर है अवेली वो वैल्यू थी जिसको जिसके अंदर एन रखा गया, तो नोड ए पॉइंट आउट करेगा जिसको पहले अवेल पॉइंट आउट करा, डॉटेड लाइन का मतलब है ओल्ड लिंक ऑफ अवेल, जिसको अवेल पहले पॉइंट आउट कर रहा था, अब जो है नोड ए उसको पॉइंट आउट करेगा, यानी कि नोड एन को, और ये कैमरा वहां मंदिर नोड एन को, और नोड एन किसको पॉइंट आउट करेगा, नोड एन पॉइंट आउट करेगा नोड बी को, यानी कि जिसको पहले नोड ए पॉइंट आउट कर रहा था, जिसको पहले नोड ए पॉइंट आउट कर रहा था, अब नोड एन जो है उसको पॉइंट आउट करेगा, और अवेल क्या हो जाएगा, अवेल अपडेट हो जाएगा, अवेल इज इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, पुराना अवेल जो था वो ये था डॉटेड लाइन, अब नया अवेल क्या हो जाएगा, जो सेकंड वैल्यू है ये वैल्यू जो है नया अवेल बन जाएगी, यहाँ पर जो डार्क लाइन से शो हो रहा है ना, ये नया अवेल जो है वो अब ये बन जाएगा, तो पुराने अवेल के अंदर तो वैल्यू आ गई। इससे होगा क्या कि एक के बाद एन आ गया, और एन के बाद ये वैल्यू जाहिर ये वैल्यू निकल जाएगी अवेल से, ये पूरी वैल्यू अवेल से निकल जाएगी, और ये इसका लिंक क्या हो जाएगा वो दिखा देगा नोड बी को। ये बात क्लियर हो गई जी सर, ये मैंने आप एग्जांपल से भी समझाई और यहाँ पर डायग्राम में बहुत अच्छे तरीके से ये बात जो है ना वो समझाई गई। सर बस आज तक उतना ही रखते हैं। अच्छा, लेकिन ये किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। ये हमने सीख लिया अवेल क्या होता है, लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन कैसे होती है, ठीक है, और क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। देखो इसका फायदा क्या हुआ, हमें सिर्फ तीन जगह चेंज एल्गोरिथम अभी आगे आएगा, हमें सिर्फ जो है ना मतलब इसका एल्गोरिथम नहीं, हमें इसमें चेंजेस करके आपको दिखाई यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर वैसे ये रहा इंसर्शन का एल्गोरिथम, ये पूरा ये दिखाया है, सिर्फ इसके अंदर चेंजेस करके दिखाई है, ये रहा एल्गोरिथम इंसर्शन का। हमें इंसर्शन भी तीन जगहों पे हो सकती है ना, इंसर्शन भी या तो बिगिनिंग में होगी या एंड में होगी, एम्प्टी सेल में भी इंसर्शन हो सकती है, फ्रंट में भी हो सकती है, बैक में भी हो सकती है, मिडिल में भी हो सकती है इंसर्शन। अभी तो हमने लिंक लिस्ट जब जो एग्जांपल यहाँ दिखाई है ये तो लिंक लिस्ट के मिडिल में इंसर्शन हो रही है, समझ रहे हो, लिंक लिस्ट के मिडिल में है ना, ये बीच में कहीं दो नोड है उनके दरमियान एंड इंसर्ट किया है, ये तो वो सिनेरियो दिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए।
कि किस तरीके से चेंजेस हुई है, क्या क्या चेंजेस हुई है। ये एग्जाम में हो सकता है हम आपको लिंक लिस्ट दे दें बनी हुई लिंक लिस्ट हो, और उसमें आपसे कहें कि नोड ए है, नोड बी है, नोड ए इंसर्ट करो, क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी, कौन कौन से लिंक चेंज होंगे वो लिख के दिखाओ, तो वो फिर काम आपको करना पड़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्लास हम एंड कर लेते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर ये हम कोशिश करके पूरा सेशन डिलीशन जो है ना, सेशन डिलीशन कंप्लीट कर लेंगे लिंक लिस्ट के अंदर, और सारे एल्गोरिथम और पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उससे अगली क्लास में फिर हम क्विज लेंगे, लिंक लिस्ट के का क्विज होगा, सेशन डिलीशन कंप्लीट करने के बाद फिर क्विज लेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। सर प्रीवियस क्विज के मार्क्स अपडेट कर दिए आपने? क्या कह रहे हैं? प्रीवियस क्विज के मार्क्स अपडेट कर दिए आपने? नहीं नहीं अभी नहीं किए। ओके सर। सर प्रोजेक्ट लिस्ट भी अभी तक आपने नहीं अपडेट? हां प्रोजेक्ट लिस्ट मैंने नहीं दी है, और मैं अभी कोशिश करके रखता हूं प्रोजेक्ट लिस्ट फेसबुक ग्रुप पे रखूंगा, कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा। मोहम्मद हसनैन मौजूद है? प्रेजेंट है मोहम्मद हसनैन? सही है। तैमूर जिया? यस सर तैमूर जिया प्रेजेंट है। ठीक है, बस जो प्रेजेंट करने के बाद अपने माइक ऑफ कर दें, राव हसनैन आप भी बंद कर दें और तैमूर आप भी बंद। सर फर्स्ट सेशन में भी मैं था सर, वो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मैंने बताया भी था आपको। नहीं नहीं आप काफी लेट हो गए थे फर्स्ट सेशन में सर, वो लाइट नहीं थी इस वजह से सर, मैं प्रेजेंट तो हो गया था तकरीबन। मैं देखता हूं कितने लोग हैं। हसन नजर मौजूद है? हसन नजर, हसन नजर प्रेजेंट है? नहीं है। उसामा शेख? उसामा शेख हसन नजर प्रेजेंट है? हसन नजर भी नहीं थे फर्स्ट सेशन में। उसामा शेख माइक का प्रॉब्लम था सर, अगर आपका माइक का प्रॉब्लम था आप टेक्स्ट कर देते ना चैट से। तो उसामा शेख मौजूद है? प्रेजेंट नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा आफरा खालिद? आफरा खालिद भी नहीं थी फर्स्ट सेशन में। शेख मुजम्मिल? अच्छा मुजम्मिल अहमद, सही है शेख मुजम्मिल वो। अच्छा इसके बाद जो है वो मोहम्मद खुर्रम हुसैन? खुर्रम हुसैन भी प्रेजेंट है। ठीक है चले देख लेते हैं पहले सेशन वालों को क्या करना है। बाकी सब प्रेजेंट है जिनके मैंने नाम लिए ना, उनको मैंने देखा था कि वो लोग थे नहीं, बाकी सही है। क्लास की स्ट्रेंथ 47 नजर आ रही है मुझे, 46 यानी कि प्रेजेंट है सर, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा है क्लास की। जो लोग एब्सेंट हैं अभी भी तो देखना पड़ेगा कौन लोग अभी चले गए। ठीक है जरार आपका देख लेते हैं। ठीक है क्लास हम एंड कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बतानी थी आप लोगों को, वो सुन लीजिए।